आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है, फिर भी जनता गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आने जाने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कर रही है, लेकिन रेलवे की तरफ से गाइडलाइन जारी होने पर भी ट्रेन से सफर करने वाले यात्री मास्क नहीं लगा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ने के बावजूद भी जनता गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने रेलवे स्टेशन बस स्टैंडों पर कोरोना जांच के लिए टीम लगा रखी है। स्वास्थ्य कर्मी आने जाने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर और एंटीजन जांच कर रही है, लेकिन रेलवे की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन का यात्री पालन नहीं कर रहे हैं। ट्रेनों में यात्री बिना मास्क के सफर कर रहे हैं। राजामंडी स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच के लिए टीम रोजाना समय पर पहुंच रही है, लेकिन यात्री लापरवाही बरत रहे हैं। कोविड यहाँ आरटीपीसीआर की जांच राजामंडी रेलवे स्टेशन पे हो रही है। ये रिपोर्ट 72 घंटे तक वैलिड रहती है और आने वाले जितने भी यात्री हैं उनका जांच सुचारू रूप से किया जाता है सुबह और शाम में। स्वास्थ्य कर्मी का कहना है कि आरटीपीसीआर जांच 72 घंटे तक मान्य होती है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ समय मरीजों की संख्या कम होने के बाद फिर ग्राफ बढ़ने लगा है। ऐसे हालातों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ट्रेनों में अधिकांश यात्री बिना मास्क के सफर कर रहे हैं। अधिकांश यात्री कोरोना की जांच कराना भी जरूरी नहीं समझ रहे। राजामंडी स्टेशन पर ट्रेन से उतरे यात्री बिना मास्क के किसी तरह जा रहे हैं, यह तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।